हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में 19 जून की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और रिलेटेड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक. बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब. दीज आर प्लंस स्पेशल, मेन्स स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन. इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च रखी है जिसमें 1200 क्वेश्चंस है. And this will be very useful for civil services examination, prelims examination 2020. Question ke baare mein baat karein, toh first question hai, something related with United Nations Security Council non-permanent seat. Yahan par jo aapke liye important cheeze hongi, ye rahegi United Nations Security Council ke baare mein aapko basically pata hona chahiye. Permanent seat, ye aapko pata hona chahiye ki yahan par P5 nations hote hain, aur ye P5 nations basically nuclear powered bhi hain. Iske alawa non-permanent seat hoti hain, 10 hoti hain. और ये सक्सेसिवली बढ़ाई गई है, धीरे धीरे करके ये बढ़ाई गई है. नॉन परमानेंट सीट रीजनल बेसिस पे होती है. रीजनल बेसिस का मतलब कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरेशिया, इसमें अलग अलग डिवीजन होती है सीट का. दसों सीट का दसों रीजन पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जीतने के लिए 2/3 ऑफ द वोट चाहिए होते हैं जनरल असेंबली में. जैसे इस बार इंडिया से इलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट सीट में और 184 वोट आउट ऑफ 192 वोट ये प्राप्त किया हुआ है. इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, आंसर इसका सी हो जाएगा. इससे रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करें तो दिस इज बेसिकली द कटिंग फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. यहां पर ये बताया गया है कि इंडिया अब आठवीं बार यूएन की बॉडी में इस तरीके से नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ है. हालांकि इस समय इलेक्शन होने की मतलब जो चांसेस थे वो अफगानिस्तान की बारी थी, बट अफगानिस्तान ने इंडोर्स कर दिया था इंडिया को, इंडिया के कहने पे कि चलिए इस बार आप बन जाइएगा, हम लोग बाकी बाद में देख लेंगे. इसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ इंडिया, केन्या, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे, ये 5 नेशंस साथ में इलेक्ट हुए हैं. इलेक्ट होने के लिए जो मतलब सेकंड जो आगे की अगली 5 सीट होने वाली है उसमें अफ्रीकन नेशन की सीट है और उसमें डिबूटी और केन्या, इन दोनों में से किसी के इलेक्ट होने की संभावना है. थोड़े से और डिटेल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इंडिया आठों बार कब कब रहा है इसके बारे में डिटेल बताई गई है. हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इतना डिटेलिंग नहीं पूछना चाहिए, बट स्टिल आपको एक आइडिया होनी चाहिए क्या चीज है बेसिकली ये. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली DGGSTKI के बारे में है. तो ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस है ये बेसिकली आती है सीबीआईसी के अंतर्गत. सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंतर्गत, और ये आती है डीआरआई अगेन, तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, और ये होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में. इस फाइनेंस में मतलब इस डीआरआई के अंतर्गत काम जो होता है बेसिकली वो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन से रिलेटेड जो भी क्राइम है, इलीगल चीजें, उसको देखा जाता है और इस तरीके से ये मतलब कंट्रोल कर रहे होते हैं. सिमिलरली यहां पर जस्ट लाइक डीआरआई यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी बनाया गया है, जहां पर जीएसटी की अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको देखा जा रहा होगा. तो अगेन इट रेगुलेट्स द मनी लॉन्ड्रिंग, यस इट रेगुलेट्स इट, इट इंटरेस्टेड टू मॉनिटर टैक्स इवेजन, ये भी सही है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर रही होती है, ये भी करेक्ट है. यहां पर पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है. इसका आंसर डी हो जाएगा. अगर किसी को अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो आप यहां पर जा सकते हैं, आईआरएस लोग होते हैं और यहां पर इलेक्ट होकर के इस तरीके से मतलब सेलेक्ट होकर के इस तरीके से डीआरआई में काम करने को मौका मिलता है. ये वो न्यूज है जहां पर इंदौर का बिजनेसमैन है, इसने बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का एक चार्ज लगा हुआ है, जिसने पाकिस्तान में मनी भेजा हुआ है दुबई के होटल के थ्रू. तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाती है. तो ये बेसिकली इसके कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो ये बॉडी है डीजीजीआई के बारे में, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के बारे में. क्लियर हो गया. आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट है बेसिकली कोल माइनिंग से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है. हाई चांसेस आर देयर कि कोल माइनिंग पे एक क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा. यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि इन कोल एक्सप्लोरेशन ओनली एंड यूजर्स ऑफ कोल कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्शनिंग. देखिए ये सही स्टेटमेंट हुआ करता था आत्मनिर्भर स्कीम से पहले पहले तक, और जब से ये आत्मनिर्भर स्कीम आई है तब से ये चेंज हो गया है. पहले क्या होता था, पहले आप समझ लीजिए कि एंड यूजर्स क्या क्या होते हैं. एंड यूजर्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो केवल और केवल कोल सेक्टर में डील कर रही है, तो कोल सेक्टर में जो डील कर रही है वो केवल और केवल एक्सप्लोरेशन में काम करती थी. हालांकि इनके एक्सप्लोरेशन में भी पहले बहुत ज्यादा
रोक टोक थी, बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस नेल्प पॉलिसी, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने हेल्प पॉलिसी से, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी, और यहां पर हेल्प पॉलिसी में सबको फ्री कर दिया गया था, लेकिन ये फ्री केवल और केवल एंड यूजर्स वाली कंपनी थी। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली कोल को नहीं इंडोर्स करती हैं, लेकिन उनको जरूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो काम कर रही है एनर्जी से रिलेटेड, मान लेते हैं एनर्जी से रिलेटेड, और ये एनर्जी से इसको जब भी चाहिए होगा तो कोल की इसको जरूरत पड़ रही है, लेकिन कोल ये डायरेक्टली एंड यूजर तो है नहीं, ये किसी तीसरे कंपनी से कोल मंगाता था। अब ये इसको मान लेते हैं कि साइकिल ही बनाना है या कुछ भी बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो अब ये क्या करेगा, उस कंपनी के भरोसे बैठा रहेगा कि अब वो कभी लाइसेंस पाएगा, उसके एक्सप्लोरेशन होगा तब हम लेंगे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी जो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो अब एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है, ऑक्शनिंग में अब ये पार्टिसिपेट कर लेती है। लेकिन ये काम किया गया आत्मनिर्भर स्कीम जो अभी रिसेंट में लॉन्च की गई है, 20 लाख करोड़ की स्कीम है। ये आत्मनिर्भर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, यहां से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पे एक सीरीज बनी हुई है, 8 वीडियो की सीरीज है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स के बेसिक चीजों को भी डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ एक क्रिटिकल रिमार्क भी दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने आत्मनिर्भर स्कीम नहीं देखी है तो वहां पर जाकर के देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, फॉर यूजिंग द कोल ब्लॉक एलोकेशन न्यू पॉलिसी ओल्डर एनएलप पॉलिसी हैज बीन रिप्लेस्ड विद हेल्प पॉलिसी, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यहां केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया क्या चीज है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कोल माइनिंग से रिलेटेड, एंड दिस इज बेसिकली बेसिक क्वेश्चन में ये है कि कोल माइनिंग इज कंसीडर्ड एज, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कोल माइनिंग इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग, बिल्कुल माइनिंग जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर में ही आती है, बट मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसको काउंट कर रहे होते हैं, तो प्राइमरी अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग, ये दो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उन दोनों में माइनिंग को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर हो गया। कई लोगों को डाउट रहता है मैन्युफैक्चरिंग है तो सेकेंडरी होना चाहिए, नहीं, माइनिंग जो होती है वो रॉ मटेरियल है और इसलिए प्राइमरी सेक्टर में रहता है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम इसको मतलब की काउंट कर रहे होते हैं। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोलता है कि इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेशन इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और इस 8 कोर इंडस्ट्रीज में से कोल भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। क्लियर हो गया, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। थर्ड वन इज इंडिया इज 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल, बिल्कुल करेक्ट है, सबसे ज्यादा हालांकि जो होता है चाइना में है और उसके बाद से इंडिया 4th नंबर पे आती है, लेकिन प्रोडक्शन में फर्स्ट है, नहीं, प्रोडक्शन में भी चाइना 1st नंबर पे ही है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहां पर देखिए केवल और केवल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और यहां पर देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको बना देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड और आंसर सी बना देते हैं। खैर छोड़िए, आपको मेन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारी वो न्यूज की कटिंग जहां पर बेसिकली ये पूरी की पूरी सिस्टम बताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि हमें कोल सेक्टर में हमें एक्सपोर्ट करने में हम लोग टॉप पे जाना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिमांडिंग है। इनफैक्ट आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा 60% से ज्यादा एनर्जी आज भी हम लोग कोल सेक्टर से ही है, थर्मल पावर प्लांट से ही हम लोग निकाल रहे होते हैं। हालांकि हम लोग काफी कुछ हम लोग रिन्यूएबल प्लांट के लिए कर चुके हैं, और हमारा सोलर सेक्टर, विंड सेक्टर, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नियर फ्यूचर हो सकता है कि हम इस थर्मल को रिप्लेस कर दें अपने रिन्यूएबल के साथ में, तो काफी कुछ होने वाला है। यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस इंडिकेट की गई है। इंडिया हैड द 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल एंड शुड एम टू बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटी, मतलब टॉप एक्सपोर्टर बनना है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है जो एस्टैब्लिश की गई थी 1966 में, और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया वॉज अमंग द फाउंडिंग मेंबर, बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया जो होता है वो फाउंडिंग मेंबर में हुआ करता है। एडीबी बेसिकली जो होता है एशियन क्षेत्र में, एशियन के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी यहां पर काम करवाया जाता है उसके क्षेत्र में ये लोन दे रही होती है, तो इट इज बेसिकली अ बैंक, ये बैंक है जो लोन दे रहा होता है इस तरीके से। रिसेंटली इसने इंडिया की इकोनॉमी को प्रेडिक्ट किया है कि ये 4% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। देखिए न्यूज है बेसिकली जहां पर ये बताया गया कि एडीबी जो होती है 4% से बता रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है।
आगे देखिए एक और न्यूज बेसिकली इसी से रिलेटेड है और वो फिच की रिपोर्ट है। हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले मूडीज की रिपोर्ट भी पढ़ी थी, अब ये देखिए फिच की रिपोर्ट है। इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन तो नहीं बनाए गए हैं, यहीं पर साथ में देख लीजिए कि लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूअर जो ये फिच है, ये बेसिकली क्या है, एक कॉरपोरेट एंटिटी है, इंटरनेशनल कॉरपोरेट एंटिटी है जो रैंकिंग दे रहा होता है इंटरनेशनल इकोनॉमीज को, और उसके बेसिस पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि रैंकिंग को और अल्टीमेटली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहां पर फिलहाल जो फिच है उसने काफी लोअर रैंक दिया है, मतलब निगेटिव ग्रोथ दिखाई जा रही है। इसके अलावा मूडीज ने भी हम लोगों को काफी लोअर रैंक दी थी, लेकिन हालांकि उसने अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ पोजीशन बताया था, लेकिन फिच के हिसाब से पोजीशन इज नॉट गुड हियर। इसके अलावा एक और है जो रेटिंग कर रही होती है और वो है S&P, और S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। इसने भी इंडिया की रेटिंग को काफी ज्यादा पुअर बताया है, इसने रेटिंग BBB निगेटिव दिया हुआ है। देखिए रेटिंग और इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। बस आपको ये नाम पता होना चाहिए कि S&P, फिच और मूडीज ये इंटरनेशनल कुछ बॉडीज हैं, इकोनॉमिक बॉडीज हैं जो बेसिकली इस तरीके से काम कर रही होती हैं। क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स मुझे मिला GST को लेकर के, आपको भी अभी बड़ा इंटरेस्ट आएगा अभी मैं जब इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। तो देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टू द कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है। इट फंक्शंस अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये डायरेक्टली ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 279A में दिया गया है जीएसटी काउंसिल के बारे में, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल में डायरेक्टली ये बॉडी नहीं आती है, बट दिस इज लिंक्ड विद जीएसटी काउंसिल, इसलिए स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा और केवल इसका स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है स्टोरी। देखिए यहां पर क्या चीज है, स्टोरी ये है कि ये जो अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग है, इसने अभी रिसेंट में एक केस हुआ है और ये गुजरात का केस है जहां पर केस ये हुआ है। पूरी कहानी को सुनिएगा क्या हुआ है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तरीके की चीजें बहुत आराम से देखने को मिल रही होती हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए दिस इज यू और आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मान लेते हैं आप जो भी काम करते हैं उसमें इंटरनेशनल ट्रेड का काम है, तो आपकी एक कंपनी मान लेते हैं चाइना में, चाइना हटाइए, चाइना बहुत गड़बड़ कंट्री है, एक काम करते हैं इसको किसी दूसरे कंट्री में पहुंचाते हैं, मान लेते हैं फिलीपींस कंट्री में पहुंचाते हैं। फिलीपींस से आप कोई एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं USA में, है आपकी फर्म आपकी है बट इंडियन सॉइल यूज नहीं हो रही है, यहां पर इंडियन सॉइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डायरेक्टली आपने क्या किया है, फिलीपींस में कोई भी काम किया है, आपकी जो भी वेंडर की जो भी मान लीजिए फर्म है वो फिलीपींस में ही और डायरेक्टली वो USA में ट्रांसफर की जा रही है, क्या यहां पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, बताइए क्या लगेगा या नहीं लगेगा। इसका कमीशन भी तो यहां पर होगा ही, अब इसका क्या जीएसटी लगेगा। देखिए आइडियल केसेस में ये नहीं लगता है क्योंकि यहां पर हमें जीएसटी में जो भी रिबेट लेना होता है वो रिबेट नहीं दिया जा पा रहा होता है, इसलिए जीएसटी को नहीं लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल में अभी जो केस हुआ है उस केस में ये कहा गया है कि अंडर दिस अथॉरिटी फॉर एडवांसिंग, इसने कहा है कि देखिए इस तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन किया जाए, चाहे वो फिलीपींस में हो, चाहे US में हो, चाहे कहीं पर भी कर रहे हो, उसका जीएसटी देना पड़ेगा, ये कहा गया। लेकिन देखिए अगेन, अगर मैं आपको बाई नॉर्म बताऊं, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप बताएंगे कि जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अभी फिलहाल में गुजरात कोर्ट में यह चैलेंज किया गया है, लेकिन वापस से सुप्रीम कोर्ट में जब यह जाएगा तो ऑब्वियसली ये कस्टमर मतलब कि इस वेंडर के फेवर में आ जाएगा इसका, तो इस वजह से यहां पर यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यही चीज है, इन अ सेपरेट रूलिंग द AAR सेट द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम विल बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विद टैक्सेबल सप्लाईज व्हाइल कैलकुलेटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए ध्यान दे दीजिएगा कि अंडर जीएसटी लॉ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर देयर एग्रीगेट टर्नओवर अबव 20 लाख और मोर। तो 20 लाख से ऊपर रहेगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। क्लियर हो गया क्या चीज है, केस क्लियर हो गया, क्या पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे ये भी समझ में आ गया। चलिए इस तरीके के केसेस जनरली मैन्युफैक्चरिंग आइटम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं कार है, कार मान लेते हैं केवल और केवल ट्रायल के लिए, मतलब ट्रायल का मतलब ये हो गया कि आपको टेस्ट ड्राइव के लिए मान लीजिए आ गई है इंडिया में, और इस टेस्ट ड्राइव के तौर पे कार तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपने क्या कर दिया, कार को आपने थोड़ा सा चला दिया, मान लीजिए 1 किलोमीटर आपने चला दिया, नाउ दिस कार हैज बीन यूज्ड, मान लिया जाएगा कि कार यूज हो गई है और इस वजह से अब इसका इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं जहां पर जो होते हैं कंपनी के जो लॉज होते हैं, जीएसटी लॉज जो होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं और ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सब सीए लोग ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, छोड़ देते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ओपेक। ओपेक बेसिकली
ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो पेट्रोल और जितने भी पेट्रोकेमिकल होते हैं उसको एक्सपोर्ट कंट्रीज होती हैं, इनको बनाया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, और ये परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज बेसिकली कार्टेल ऑफ कंट्रीज, यहां पर एक ग्रुपिंग बना ली जाती है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई यहां पर मतलब एग्रीमेंट नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जहां पर यह बोल दिया गया है कि आपस में कंसेंसस के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, बनाया गया था 1960 में, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा देखिए ओपेक प्लस एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री का ग्रुप सामने निकल के आ रहा है, एंड दिस इज जो नॉन ओपेक कंट्री जो भी एक्सपोर्ट कर रही होती है उसको भी इंक्लूड किया गया, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बारे में जरा करंट अफेयर्स देख लीजिए, यहां पर यह बोला गया है कि ओपेक प्लस पुशेस फॉर कंप्लायंस अनडिसाइडेड ऑन द ऑयल कट एक्सटेंशन। ओपेक प्लस के बारे में जहां पर इराक और कजाकिस्तान ये दो एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं जो ओपेक प्लस में बोल दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर कुछ ब्रेंट ऑयल के बारे में भी बताया गया है, तो देखिए मेरे पास दो चीजें होती है, एक होती है ब्रेंट क्रूड ऑयल होती है और एक होती है जो केवल और केवल क्रूड ऑयल होती है, तो ब्रेंट ऑयल होती है और दूसरी क्रूड ऑयल होती है। ब्रेंट ऑयल में सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, हाई सल्फर कंटेंट होता है, यानी इसको जब भी इंप्रूवमेंट इसकी की जाएगी तो उसमें ज्यादा खर्चा आता है, जबकि वही क्रूड ऑयल में जो होता है सल्फर कंटेंट काफी कम होता है, प्योरिटी रहती है, तो दिस नीड टू बी प्योर, ये काफी इंप्योर रहती है ब्रेंट ऑयल। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।